हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश फॉरवर्ड में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी नए एक्सपोर्टर को अगर आप बुकिंग देते हैं तो उसमें आपको कैसे बचना है, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब बीच में अभी काफ़ी केस हुए कि कुछ लोग हैं जो एक्सपोर्टर बन के फॉरवर्डर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें फॉरवर्डर को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब ऐसा लॉस कि मतलब सब कुछ उसको बेचना पड़ जाए, इस तरीके का लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप इसी से बच सकें तो इस चीज़ को वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा कि किस तरीके से आप बच सकते हैं और कैसे नए जो लोग हैं जो ये जो धंधा बना रखा है जिन्होंने। तो अभी रिसेंटली का केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सारा जो कैसे किया उन्होंने और क्या किया उस चीज़ से आपको कैसे बचना है, तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। तो आपको मैं जो अभी रिसेंटली का केस हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ फॉरवर्डर है, ठीक है, मतलब मैं नाम किसी का भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट रियलिटी आप मानिए कि ये हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आप बचिएगा। देखिए कुछ मतलब लोग हैं जो एक्सपोर्टर बन के फॉरवर्डर से बुकिंग ले रहे हैं, फ्रॉड ईमेल आईडी, फ्रॉड कंपनी आपको दे देंगे, ठीक है, आपको मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स भी एडिटिंग करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या, जैसे फॉरवर्डर ने आपको बोला, एक्सपोर्टर ने बोला मेरे को बुकिंग चाहिए यहाँ जेबल अली का और या फिर किसी भी पोर्ट के लिए, ठीक है, कहीं से भी आपको उसको बुकिंग चाहिए आपको कर देगा, ठीक है। और दूसरा, और फिर आपने रेट एग्री किया, आप जो भी रेट बोलेंगे उस रेट में भी एग्री हो जाएगा, ठीक। अगर जैसे आपने 800 बोला और मार्केट रेट चल रहा है 300-400, अगर आप 1000 भी बोलेंगे तो वो एग्री कर लेगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, आप किसी भी शिपिंग लाइन से बुकिंग लेंगे, ठीक है, शिपिंग लाइन से बुकिंग लेके आपने रेट एग्री किया होगा, अपना प्रॉफिट ऐड करके आपने एक्सपोर्टर को दी, जिस भी एक्सपोर्टर को आपने बुकिंग अपना मतलब जो बुकिंग है ऐड मतलब जो रेट एग्री किया है उसको आप एक्सपोर्टर को बुकिंग देंगे। बाद में वो क्या करेगा, धंधा बना लिया एक तरीके से उन लोगों ने, सभी फॉरवर्डर से एक एक दो दो दस दस बीस बीस कंटेनर लेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, आपसे बुकिंग ले लिया, आपको आप डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको बोल देगा कि अभी क्लियरेंस है, ये है वो है, सारा आपको मतलब टालता रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, वो कंटेनर ही आपका गायब कर देगा और बाद में ना आप उसका कंपनी का डिटेल ढूंढ पाएंगे ना कुछ ढूंढ पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि शिपिंग लाइन जो है आपने आपको कंटेनर दिया होगा वो आपके ऊपर मतलब प्रेशर डालेगी, मेरा कंटेनर दो, और आप कंटेनर नहीं दे पाएंगे। अभी रिसेंटली में एक लुधियाना में एक केस हुआ है, जो एक एक्सपोर्टर था, ठीक है, उसने फ्रॉड कंपनी, एक्सपोर्टर भी फॉरवर्डर भी, एक मतलब एक जो नकली कंपनी बना के मतलब किसी दूसरे नाम की कंपनी बना के आपसे बुकिंग ले लेंगे और आपका जो कंटेनर है 10-10, 20-20 कंटेनर लेके शिपिंग लाइन से पिकअप भी कर लेंगे, कंटेनर पिक करने का कंटेनर ही गायब कर देंगे। अभी 200 कंटेनर का फ्रॉड हुआ है ऐसा लुधियाना में, आप देख लीजिएगा अगर न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। तो आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि वो कंटेनर है अभी तक नहीं पता, आज 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन 200 कंटेनर में से एक कंटेनर भी अभी तक किसी को नहीं पता कि कंटेनर कहाँ है। तो और जो जिस बंदे ने बुकिंग डाली थी, जो भी कंपनी थी, वो उस कंपनी का नामो निशान नहीं है कहीं पे भी, कोई जीएसटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो कंटेनर थे सारे गायब हो चुके हैं, ठीक है। और जो फॉरवर्डर है, जो शिपिंग लाइन है, उन्होंने फॉरवर्डर पे पुलिस कंप्लेन की है और वो जो जितने भी फॉरवर्डर हैं सभी मतलब सबके ऊपर पुलिस कंप्लेन हुआ है, क्योंकि किसी शिपिंग लाइन के 10 कंटेनर हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 8 हैं, सबके टोटल मिला के 200 कंटेनर, 200 कंटेनर में से एक भी कंटेनर का अता पता नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी किसी भी एक्सपोर्टर को अगर आप बुकिंग देते हैं तो सबसे पहले आप अगर या एक्सपोर्टर को या किसी भी फॉरवर्डर को अगर बुकिंग देते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मतलब करस्पोंडेंस करते हैं तो आपको एक कंपनी का डिटेल ले लेना, और हो सके तो मतलब आपको जाना ही जाना पड़ेगा, आपको उस कंपनी का विजिट करें सबसे पहले, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स लें, आप अच्छी तरीके से उसका उसका प्रोफाइल उसका चेक कीजिएगा, तभी आप किसी भी एक्सपोर्टर को आप बुकिंग दें और क्रेडिट पे काम ना करें, ठीक है। तो आप जब आप जाके इन चीज़ से बच पाएंगे तो ये जो धंधा है काफ़ी लोगों का चल रहा है, और इसके अलावा कुछ लोग मतलब काफ़ी नए नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। आपको मैं अभी कंटेनर का एडवाइस दिया, आगे जो मैं बुकिंग सॉरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि और तरीके से कैसे लोग फंस सकते हैं इस चीज़ के अंदर, और अपना जो अगर आपने स्टार्ट किया, ज़्यादातर नए फॉरवर्डर इस चीज़ में फंसते हैं, ठीक है, जिन्होंने नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये उनके साथ ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर
आपने अगर जल्दी आपके पास बिजनेस आ गया, आप सोच रहे हैं कि 8-10 कंटेनर का, 20 कंटेनर का, अगर आपने किसी को, किसी भी एक्सपोर्टर ने आपको बुकिंग एग्री की है, तो आप एक बार नहीं 10 बार आप देख लीजिए, कंपनी प्रोफाइल देख लीजिए, सारी चीज़ आप देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन जो प्रोफाइल है इसकी, तब जाके आप किसी भी एक्सपोर्टर को या फॉरवर्डर को आप बुकिंग दें, तब जाके आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, वरना आप बहुत ज़्यादा बड़े लॉस में फंस सकते हैं और आप जो जो इस जो लीगल एक्शन भी आपके पास ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें, और खासकर नए फॉरवर्डर ये गलती कर देते हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचें। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।